आ जा कूद के आ जा, आएगी नहीं आ सकती ना, चल निकल। तो यहाँ पे निकलते हैं सीधा थर्ड फ्लोर पे। तो आ गए हम थर्ड फ्लोर पे, यहाँ पे ग्रैनी आ गई। तो गाइस आज की वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ ग्रैनी 3, वो भी नाइटमेयर मोड के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के लास्ट में बहुत मज़ा आने वाला है आपको, तो वीडियो को देख कर जाना। तो मैं यहाँ पे ग्रैनी ग्रैंड पर दोनों को कर लेता हूँ और साइलेंड्रेना को हटा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है। तो फिर हमने कर दिया गेम को स्टार्ट और ये हो गया हमारा डे 1। यहाँ पे है लॉक पिन और ये हो गया हमारा गेम चालू। थोड़ी सेंसिटिविटी मेरे को कम लग रही है, इसलिए मैंने थोड़ी बढ़ा दी और ये अब लेगा बहुत ज़्यादा टाइम। इतनी खुशी मुझे। तो हम फाइनली बाहर आ चुके हैं और इतनी खुशी हुई है भाई। लेकिन ये चूहा क्या कर रहा है इधर, अब निकलते हैं बाहर। तो यहाँ पे सीधा भाई ग्रैनी ग्रैंड पर नहीं मिलना चाहिए मेरे को, पहली बात। ओ तेरी, ओ भागो यहाँ से, खट खटखट हो गया, दिमाग ख़राब कर देगा। अब ग्रैनी ग्रैंड पर तो आएंगे, पक्का आएंगे। आ गए ना ग्रैनी, ये बुढ़िया ग्रैंड पर आए ना, लेकिन ये बुढ़िया ज़रूर आएगी यहाँ पर, मेरे को पता है। तो देखते हैं अब यहाँ पर छुप जाते पहले, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये आते हैं नहीं आते। तो यहाँ पे हम छुप गए और थोड़ी देर बाद देखते हैं ग्रैनी के जाने के साउंड हो चुके, तो मतलब ग्रैनी के जाने के साउंड आ चुके, तो शायद ग्रैनी चली गई अब। तो यहाँ पे हम सीधा आ चुके हैं बाहर। तो यहाँ पे ओ तेरी, बुढ़ा हो गया यहाँ पे, देखा नहीं ना, चलो सही है, भाग गया। ओ ग्रैनी ने देख लिया, क्या कर लेगी, किचन से निकल लेंगे और बता ग्रैनी क्या कर लेगी। तो चूहे ने काट लिया मेरे को, आए दर्द हो रहा है। तो ये आ गए हम लिफ्ट में, लिफ्ट के जरिए अब हम सीधा ऊपर चलते हैं सीधा सेकंड फ्लोर पर। उससे पहले हम यहाँ पर ढूंढा ढांडी कर लेते, देखते क्या मिलता है हमारे यहाँ पर। तो इस बॉक्स में कुछ नहीं मिला, सीधा हम निकलते हैं ग्रैनी ग्रैंड पर आने लिए। हम आके मार दिया तो सीधा हमारा डे ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से हम सीधा निकलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर पहुँचने वाला है, तो आ गए हम सीधा सिलेंड्रिना के कमरे में। तो हम आ गए ऊपर, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं आना था, नीचे आना था, उसकी वजह से मैं नीचे नहीं आ पाया। तो यहाँ पे आ गए हम और यहाँ पे कूद के आ गए, और यहाँ पे मैंने ढूंढा लेकिन यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिला। तो मैं निकल गया सीधा लिफ्ट से नीचे, लेकिन लिफ्ट पर बिना बैठे कूद के। अगर ऊपर ज़्यादा फ्लोर से कूदता तो सीधा मर जाता। यहाँ पर मैंने अलमारी ढूंढी, अलमारी में भी कुछ नहीं मिला। इधर शायद मिल जाए वुड, लेकिन वुड भी मिला तो मैं कौवे को भगा देता, लेकिन मिला नहीं मेरे को। कहाँ छुपा के रख दिया ग्रैनी ने सामान, लगता कोई संदूक आ गया नया, तभी छुपा दिया। मेरे को कहीं मिल ही नहीं रहा कुछ। ये देखो इधर मैच बॉक्स मिला मेरे को, इसका भी कुछ ज़रूरत ही नहीं है। मैं सीधा उस कौवे को मारूंगा बंदूक से। तो यहाँ पे मैंने पूरा ढूंढ लिया, किचन में एक भी चीज़ नहीं मिला मेरे को, किचन में काम की चीज़, काम की जब बेकार चीज़ भी नहीं मिली। तो यहाँ पर चूहे घूम रहे बहुत सारे, और ये खून खून की वजह से मेरा बहुत धीरे हो गया चलना। यहाँ पे मैंने स्टोन उठा लिया क्योंकि मेरे को वेपन की मिला, तो मैं सीधा स्लिंग शॉट से उड़ा दूँ दोनों को। तो इसके बाद यहाँ पे गाड़ी आ गई, गाड़ी के पीछे भी यहाँ पे मेरे को व्यू सही लग रहा है, तो मैं थंबनेल के लिए ले लेता हूँ थोड़ा सा व्यू। तो मैंने ले लिया व्यू, अब निकलते सीधा आगे। उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ ग्रैनी ग्रैंड पर है नहीं, उससे पहले मैं इधर देखता हूँ गाड़ी में, गाड़ी में भी कुछ नहीं है मम्मी। अब यहाँ से मैं सीधा निकलता हूँ अंदर, लेकिन मैं गेट से नहीं जाऊँगा, गेट से जाता हूँ हमेशा मर जाता हूँ। तो अब मैं सीधा निकलता हूँ इसके किचन से बाहर। तो यहाँ पे ग्रैनी खाना बना रही थी मेरे लिए, ग्रैनी खाना बना, वो ग्रैनी ने देख लिया, भागो यहाँ से। चलो मैं सीधा अब शायद गेट से ही जाऊँगा सीधा अंदर, तो गेट से अब निकलते हैं तब तक के लिए। तो मैं ग्रैनी से डर के भाग रहा था, तभी मेरे को यहाँ पे प्लैंक्स दिख गया, तो मैंने प्लैंक्स उठा लिया और सीधा जा रहा हूँ अब लिफ्ट में बैठ के थर्ड फ्लोर पर। तो यहाँ पे निकलते हैं सीधा थर्ड फ्लोर पे। तो आ गए हम थर्ड फ्लोर पे, यहाँ पे ग्रैनी आ गई। तो यहाँ पे ग्रैनी, तो उसकी वजह से मेरे को भागना पड़ा, और मैं सोचा हूँ अब सेकंड फ्लोर से सीधा छुप जाता हूँ, यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे छुप जाऊँगा तो सीधा मैं ग्रैनी से बच जाऊँगा और फिर वापस थर्ड फ्लोर पे चला जाऊँगा। अगर फर्स्ट फ्लोर पे चला गया तो ज़्यादा मेहनत लग जाएगी मेरे को। तो मेरे को आवाज़ आ रही कि मतलब बैकग्राउंड साउंड से ऐसा पता चल रहा है कि ग्रैनी भाग गई। तो अब मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लैंक और यहाँ से निकलते आराम से सीधा इस कमरे में, क्योंकि मेरे को अभी तक कुछ तो मिला नहीं है। पूरे घर में ढूंढना डानी कर ली मैंने, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। इसी में घर में उम्मीद है कि इसी घर में मिलेगा। तो मेरे को एक्सीलरेटर मिल गया, तो इसका मतलब है कि मैं करने वाला हूँ ट्रेन स्केप। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता। वो ग्रैनी आ गई सामने, मारेगी, मारियो, कुछ नहीं कर सकती, तो ये बस की नहीं है कुछ करना मेरे को। आ जा कूद के आ जा, आएगी नहीं आ सकती ना, चल निकल, नहीं आ पाएगी तो रहने दे, बस की नहीं है तेरे आना। अब तो यहाँ से मैं अब निकलता, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं, सीधा निकलते अपने
फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैं लिफ्ट के सहायता लूँगा और फर्स्ट फ्लोर पे निकल जाऊँगा। तो मैं निकला सीधा किचन में, और किचन से मैं वहाँ से नहीं गया, सीधा गेट से मैं घुसा हूँ, वरना किचन में गया फिर वहाँ पे मुड़ेंगे तो वहाँ पे ग्रैनी ग्रैंड पर आ जाएंगे, फिर मार देंगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल गया हम, इसको पहले गेट को खोलना पड़ेगा। तो मैं घुस गया इसमें और मैं ढूंढने लगा इधर भी, तो मेरे को कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे को वेपन की मिल गया। वेपन की से अब बजा दूंगा, मेरे पास दो पत्थर है और अब बजा दूंगा दोनों को। उससे पहले गेट खोलते हैं और यहाँ पे निकलते हैं। तो मैंने यहाँ पे गया तो ग्रैनी दिख गई मेरे को, भागो यहाँ से। फिर मैं वहाँ पे छुप गया, और फिर मेरे को नहीं ग्रैनी आ रही है अभी भी, तो मैं यहाँ पे चला गया अब छुपने। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है ग्रैनी फिर आ गई ग्रैनी, तो मैं फिर वापस जा रहा हूँ छुपने। चल भाई चल, ये ग्रैनी को दुश्मन नहीं है मेरे से कोई पर्सनल, जब भी जा रहा हूँ आ जा रही है सामने दिमाग ख़राब करने। तो यहाँ पे अब मेरे को पता है वो, ये तो मेरा दोस्त है यहाँ पे छुपा हुआ है, तू भी आया था क्या यहीं पे एस्केप करने, मर गया। कोई बात नहीं, अब कोई नहीं, यहाँ पे सीधा निकलता सेकंड फ्लोर पे, अब जाता है ग्रैंड पा के कमरे में घुसने। और फिर ग्रैनी मिल गई, ग्रैनी को दुश्मन नहीं है क्या, जब जहाँ देखो यहाँ पे ग्रैनी क्या है ये ग्रैनी, ग्रैंड पा तो दिखे मेरे को। और मेरे को स्लिंग शॉट नहीं दे, स्लिंग शॉट मिलेगा ना सबसे पहले इसी को बजाऊंगा, एक बार मिल जाए मेरे को स्लिंग शॉट। अब निकलते सीधा सीढ़ी से, निकल सीढ़ी से जाऊंगा, मेरे को पता है कि वो नीचे आ जाएगी होगी शायद, तब मैं आ गया अब सेकंड फ्लोर पे। अब कोई, अब बुढ़ा मिल गया, क्या दिक्कत है इनको, जब मैं ग्रैनी आरती मतलब मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया था बुढ़ा नहीं मिला, बुढ़ा को भी भेजो, तो बुढ़ा ही आ गया सीधा मारने मेरे को। अब तो अब मैं जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ सीधा सेकंड फ्लोर। बुढ़ा मेरे एक बार बोल दिया कि आप तुम वही भेजोगे बस, ग्रैनी मिलो, ग्रैनी नहीं मार सकती मेरे को, मतलब ग्रैनी मार सकती है, छुप छुप के मार देती है ग्रैनी, छुपी रहती है और मार देती है आके। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा यहीं से जाऊँगा, ऐसे ही जाऊँगा सेकंड फ्लोर पर, बार बार मेरे को गेट से नहीं जाना, गेट से जा रहा हूँ मर जा रहा हूँ। तो अब निकलते सीधा हम लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर। तो भाई मेरे को सेकंड फ्लोर पर उतार, मेरे को सेकंड फ्लोर पे उतरना था, मैं सिलेंडर के पास जाके क्या करूँगा ये बताओ। अब यहाँ से मेरे को कूदना होगा, आवाज़ आएगी वो ग्रैंडी ग्रैंड पा, फिर आ जाएंगे दिमाग ख़राब करने। तो यहाँ पे है क्या कोई, कोई है गेट होल, फिर ग्रैनी शायद आवाज़ नहीं आई इसलिए मेरे को पीछे नहीं पड़ी। कोई बात नहीं ग्रैनी, आराम आराम से जाऊँगा, ग्रैनी शायद चली गई होगी, ग्रैनी फिर आ, ग्रैनी जा नहीं रही, सामने ही है। तो मैं यहाँ से भाग रहा हूँ अब सीधा सेकंड फ्लोर पे, लेकिन उससे पहले की उठाओ, की सेकंड फ्लोर पे तो था, मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और की उठाओ पहले, ग्रैनी आ रही है ना, हाँ सही है, नहीं आती तो फिर वहीं पे रह जाती, फिर मैं वहाँ आता तो मार देती, इससे बढ़िया कि ग्रैनी को भगा भगा के ले आऊँ। अब जाऊँगा सीधा सेकंड, अब जा रहा हूँ मैं सीधा सेकंड फ्लोर। हाँ मेरे को वेपन की चाहिए, मतलब वेपन की है मेरे पास, मेरे को वेपन चाहिए। और ये बुढ़ी आ रही है, ये बुढ़ी बहुत ज़्यादा बन रही है, एक बार इसको सुला दूँ, वेपन मेरे को मिल जाए, जैसे भी कैसे मिल जाए मेरे को। गायब हो गई, चलो सही है, चली गई वरना दिमाग ख़राब करती। आ गया अब लिफ्ट, एक बटन दबाने से गया मैं सेकंड फ्लोर, बस मेरे को स्लिंग शॉट चाहिए, स्लिंग शॉट मिल गया। अब मेरे को उतार दियो भाई, आराम से उतार दे, हाँ बस बात मान ली। अब हम जा रहे हैं सीधा वेपन लेने, तो वेपन लेने के लिए कोई होना नहीं चाहिए सामने, तो कोई है नॉक नहीं है। तो अब सीधा हम अब वेपन खोलेंगे, मतलब इस बॉक्स को खोलेंगे और वेपन निकालेंगे। तो आ गया स्लिंग स्लॉट, अब आ तू ग्रैनी या बुढ़ा, कोई भी आ, दोनों में से कोई भी आ, दोनों को उड़ा दूंगा। आओ, अच्छा आ गई क्या, नाम लेती आ गई, चल निकल, मरी नहीं ना, चल अब मर जाएगी तू। अब मैं जा रहा सीधा बाहर ग्रैंडपा को उड़ाने, वो ग्रैंडपा तो मिल गया मेरे को पहले ही भाई, नाम ही लिया था बस मैंने, ये नहीं बुलाया नहीं था, गोली मार रहे क्या मेरे को। अब निकलते सीधा ऊपर, और अब जाते हैं कहाँ जाते हैं पता नहीं, अच्छा मेरे को एक्टिवेटर मिल गया था क्या। अब मैं जा रहा हूँ सीधा ट्रेन, हाँ ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी देने, मैं इसका यूज करूँगा, मतलब लिफ्ट से जा रहा हूँ सीधा सीधा फर्स्ट नहीं बेसमेंट में, ग्रैनी के बेसमेंट पे। और यहाँ पे हमारे पास टिकट नहीं है, ये शोर करके बुला देगा दोनों को। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब जल्दी से ट्रेन को बिजली देते एक्टिवेट करते, और हमारे पास क्या क्या हो चुका है, एक्सीलरेटर हो चुका है और एक्टिवेटर, मतलब गेट खुल जाएगा और हमारे पास एक्सीलरेटर हो, बस हमें ट्रेन की चाहिए है ना शायद,
इसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ इतनी चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे शोर तो कर दिया, यहाँ पे कोई शायद होगा, अन्य हुआ तो सही बात है, मेरे लिए तो सही है, मैं तो चला जाऊँ। ओ बुद्धा क्या है इनको यार, दिक्कत क्या है, मैंने तो शोर करके बुलाया तो दिक्कत तो है, होगा ही है इनको दिक्कत मेरे से, शायद चले गए होंगे। तो अब जाते सीधा ऊपर और जाके अब लाते हैं, मतलब सामान ढूंढते हैं। तो जल्दी से जा यार, गया गया, ये एक जा रहा है तो एक आ रहा है ग्रैनी के, अब दिक्कत है ग्रैनी आ गई। अब तो पहले छुपने दो मेरे को, छुपने के बाद ही देखेंगे इनको। छुप गया, अब तो चली गई ग्रैनी। ग्रैनी आम, अब ग्रैनी क्या दिक्कत है ग्रैनी तेरे को, बार बार आ जा रही है, अब मत आ जाओ। अब मैं जा रहा हूँ सीधा नीचे ही जा रहा हूँ एक्सीलेटर को लेकर, एक्सीलेटर को पास गिरा दूंगा जिससे मेरे को आसानी हो ट्रेन स्केप करने में, मतलब जल्दी स्केप कर लूँ। अब ये टिकट वाला आके ज़्यादा शोर कर देगा, आ जा कर ले, टिकट नहीं है मेरे पास, कर ले शोर बेटे। मरा ना तेरे को फोड़ूंगा मैं, स्लिंग स्लॉट से ही मारूंगा, बस ड्रॉप करके निकलूँ यहाँ से जल्दी। पहले ड्रॉप करा, यहाँ से ऊपर निकलते अब सीधा। शायद ग्रैनी ग्रैंड पा भी आ गए होंगे ऊपर, तो ग्रैनी ग्रैंड मतलब ऊपर नहीं नीचे यहीं पे आ गए होंगे शायद ग्रैनी ग्रैंड पा। और ग्रैंड पा तो भाई बंदूक से मारेगा मेरे को, नहीं आए लग तो रहे, ये आ रहे होंगे आर ने, पीछे भी नहीं है मतलब आए तो नहीं है, और यहाँ पे आगे भी नहीं है। एक बार ग्रैनी पीछे से कहाँ से आ गई। अगर आपको पार्ट टू देखना है तो फिर इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक्स हो जाने चाहिए और 1K व्यूज़। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहना, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।